सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नोटबंदी को 2 साल पूरे हो गए हैं। नोटबंदी की दूसरी सालगिरह को कांग्रेस ने काला दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुराने नोट बैन करने के पीछे मकसद अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना था। बहरहाल नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस अभी भी जारी है। नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अभी तक देशवासियों को नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर बधाई नहीं दी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया। पूर्व पीएम ने कहा कि नोटबंदी से जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। ये लोगों का पैसा था, मेहनत मजदूरी से कमाया पैसा था, आम जनता का पैसा था, मजदूरों का, किसानों का, गृहणियों का पैसा था, और जिस देश की अर्थव्यवस्था 90% असंगठित क्षेत्र पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे चलती हो, उसमें नकदी की आवश्यकता रहती है। और दुनिया का कोई देश नहीं है, बड़े देश, अमीर देश, गरीब देश, जहां पे नकदी में ट्रांजैक्शन नहीं होती, नकदी में व्यापार नहीं होता, या लोग अपने पास कुछ नकदी नहीं रखते। दुनिया में कोई देश नहीं है, हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था, जो कैशलेस है, क्योंकि कैशलेस प्रधानमंत्री जी ने खूब कहा था। नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस हमलावर दिखी, तो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली इस फैसले के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का मकसद कैश को जब्त करना नहीं था, बल्कि उसे बैंकों के रास्ते औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना था। जेटली ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद से लोगों को टैक्स सिस्टम से बचने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों में लगभग पूरी नकदी जमा होने पर आलोचना हो रही है, मगर नोटबंदी के फैसले के पीछे नोटों को जब्त करने का उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि सभी कैश को बैंक खातों के जरिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का मकसद था। Today, we've completed 2 years after the Prime Minister announced the historic step of demonetization of the high-value currency. Why was it required? Obviously, it was required because high-value currency occupied almost 86% of India's cash currency. India was predominantly a cash-dominated economy. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी नोटबंदी को तुगलकी फरमान कहकर इसे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला कदम करार दिया है। तिवारी ने कहा कि 2 साल पहले पीएम ने लगभग 17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया था। 2 साल के बाद हकीकत सामने है। कांग्रेस पार्टी ब्लैक ही करेगी। देखिए, आज से ठीक 2 वर्ष पहले 8 नवंबर 2016 को ठीक रात 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था। करोड़ों करोड़ों भारतीय जिनको लाइनों में लगना पड़ा, उनमें से 100 से अधिक देशवासी मारे गए,
भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तो आज के दिन 8 नवंबर 2018 को इस नोटबंदी की दूसरी बरसी पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर इस मुल्क से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो तुगलकी फरमान जारी करके इस देश का नुकसान किया है और जो 100 से अधिक लोग उस तुगलकी फरमान की वजह से मारे गए हैं उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी के 2 साल के बाद सरकार के इस फैसले पर बहस जारी है। कांग्रेस काला दिवस मना रही है तो व्यापारियों और आम जनता की क्या राय है नोटबंदी को लेकर, आइए वो भी जान लेते हैं। जब मोदी जी ने ये डिसीजन लिया था अचानक के नोट बंद कर दिए जाएं, उस कारण से एक बार के लिए हमें असुविधा हुई थी, बाकी थोड़े समय बाद सारी बैंकिंग प्रणाली और जो लेन देन था वो सुचारू रूप से चालू हो गया। देखिए, ठीक ही किया था, कोई इसमें गलत नहीं है। काला धन इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए वो ठीक थे, हालांकि जनता को थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन इस तरह के प्रयासों में थोड़ी बहुत असुविधा तो होती है। नोटबंदी के दौरान बहुत परेशान थे, जगह जगह लाइनों में लगना पड़ता था, चक्कर काटते थे। आज बाकी हालात ठीक है, बाकी आज का दिन देखते हुए हमें वो दिन याद आ जाता है, ठीक है ना, बाकी अब ठीक है। मैं मिला के बैंकों में मतलब नोट 2000 रुपये बदले जाते थे और लाइन में 2-2 घंटे में नंबर आता था। नोटबंदी के 2 साल के बाद भी इस पर बहस जारी है। कांग्रेस नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर देश भर में काला दिवस मनाकर विरोध जता रही है, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम नेता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार में मंत्री और नेता भी इस पर सफाई देने में पीछे नहीं है और सरकार के फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। अब आम जनता नोटबंदी से रोजाना होने वाली परेशानियों से तो उबर गई है, लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर जनता की सहमति या नाराजगी 2019 के आम चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।